नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एलन बेडली की HMI है उसमें IP एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे हम डिस्प्ले पे चलते हैं। तो देखो ये हमारी HMI है एलन बेडली की, इस आप सेटिंग में जाके यहाँ पे आ जाना सर, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाना दोस्तों। जो भी पासवर्ड लगेंगे आपको HMI सेटिंग में आपको जाना होगा और वहाँ पे इस डिस्प्ले पे ओपन करना आपको और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार का आपकी विंडो ओपन होगी और इस विंडो में ये लोडिंग दिखाएगा, आपको एप्लीकेशन लोडिंग होगी। क्लिक करने के बाद में आपको एप्लीकेशन लोड हो जाएगी। तो कुछ समय आपको वेट करना है, 30-40 सेकंड आपको वेट करना है दोस्तों, कई बार 20 सेकंड लग, कभी 30 सेकंड भी लग जाती है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार की डिस्प्ले ओपन होगी आपके सामने। तो इस डिस्प्ले का आपको ध्यान रखना है, ये डिस्प्ले आपकी ओपन हो जाएगी वेट करने के बाद में, जब एप्लीकेशन लोडिंग होगी उसके बाद में ये डिस्प्ले ओपन हो जाएगी दोस्तों। अब इस डिस्प्ले में क्या करना है, हमें IP चेंज करना है। तो ये सेटिंग आपको दे रखी है, टर्मिनल सेटिंग F4 दे रखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये बाकी और एप्लीकेशन अलग अलग यूज कर सकती है, यदि आप इसमें कोई एप्लीकेशन की जरूरत आपको तो इसमें सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये नीचे IP दे रखी है इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे चलिए, इस डिस्प्ले पे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। उसके बाद में जो टर्मिनल सेटिंग हमारी है इस पर क्लिक करने के बाद में ये डिस्प्ले ओपन होगी। इस डिस्प्ले में क्या करना है वो भी मैं आपको कर्सर की सहायता से लेना है। तो कर्सर हमारे इसकी सहायता से यहाँ पे नेटवर्क में आ जाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसमें आकर आपको इंटर कर देना है, यहाँ पे आकर इंटर कर देना दोस्तों। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है तो आधा लिखा है यहाँ तक शॉर्टकट में, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे आपको इंटर करना है। ये कर्सर से अप डाउन आप कर सकते हैं दोस्तों, कर्सर से अप डाउन होगा उसके बाद में आपको इंटर करना है। अब इंटर करने के बाद में आपको दूसरी डिस्प्ले ओपन हो जाएगी, उस डिस्प्ले का ध्यान रखना आपको। तो देखो ये डिस्प्ले हमारी ओपन होगी और इसमें आपको तीन ऑप्शन आएंगे। तो नेटवर्क कनेक्शन में इसमें जाएंगे हम, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है विशेषकर, तभी आप समझ पाएंगे अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। इसमें भी तीन ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको बीच वाला है इस पे क्लिक करना है और ये अप डाउन कर्सर से होगा दोस्तों, और इस पे जाकर आप इंटर कर दीजिए। तभी इंटर करेंगे उसके बाद में एक डिस्प्ले और ओपन हो जाएगी, इस प्रकार की डिस्प्ले आपको ओपन होगी। अब हमें दोस्तों इसमें नाम चेंज करना है, सेटिंग देखना है, वो सभी आपके ऊपर है हमें, लेकिन फिलहाल हम IP चेंज करने वाले हैं और इसका एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, उसका भी मैं आपको वीडियो के अंत में वीडियो दिखा दूंगा तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ इमेज मैंने दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें, हो सकता है वीडियो को आप कम समझ जाए तो इसी इमेज के जरिए आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, तो वो चीज मैं दिखाने वाला हूँ। और बहुत सी मैंने वीडियो बनाई दोस्तों, वहां भी आप हमारे चैनल पे जाइए तो वहां से आपको RLC PLC के बारे में, CNC के बारे में, SM बारे में, सभी के बारे में आप पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरी डिस्प्ले को आप अच्छी तरह देख लीजिए और आप फॉलो कीजिए दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप फॉलो करेंगे तो आप रूट बाय रूट पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है F2, हमें IP एड्रेस पे क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें देखो IP दे रखे हमें, तो ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों। अब ओपन डिस्प्ले होगी, इसमें क्या करना है, यहाँ पे IP एड्रेस हमारा इस पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है, इस पे क्लिक करना है, तो ये हमारे क्लिक करने के बाद में एक विंडो और ओपन हो जाएगी दोस्तों, तो वो विंडो भी मैं दिखा देता हूं आपको। तो इस प्रकार की हमारी विंडो ओपन होगी। इसमें भी दोस्तों दो बातें विशेष का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहां पे क्लिक करना है तो ये कुछ डिस्प्ले चेंज हो जाएगी, और यहां पे क्लिक करने के बाद में आपको कौन सा अक्षर चेंज करना है तो इसमें कर्सर की सहायता से आप आगे पीछे कर सकते हैं दोस्तों, ये कर्सर से आगे पीछे कर सकते हैं, यदि अप डाउन लेना है तो अप डाउन यहां से कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर की सहायता 6 पे लेके आ गया और यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, जो भी देखो यहाँ पे दो बार मैंने किया, दो बार क्लिक हो गया। यदि इसमें मान लीजिए आपको 7 की जगह कुछ लिखना है तो यहाँ से बैक कर दीजिए, बैक 3 बार आपको बैक करेंगे, यहाँ पे
सात की जगह भी आपको पांच छह सात जो भी लिखना है वहां पे सिलेक्ट कीजिए पहले कर्सर की सहायता से, उसके बाद में सिलेक्ट कीजिए। ये आगे पीछे यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे कर्सर की सहायता से, फिर यह सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इंटर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बात का ध्यान रखना, विशेषकर सबसे पहले दोस्तों इस पे क्लिक कर दिए, आईपी एड्रेस पे क्लिक कर दिए, उसके बाद में कर्सर की सहायता से आप अप डाउन या रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपको इंटर कर देना है दोस्तों। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इंटर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आईपी एड्रेस आपको लिखा जाएगा। तो ये चीज इस चीज का विशेष का ध्यान रखेंगे। अब आपको बैक आ जाना है यहाँ से, और बैक आने के बाद में दोस्तों एक बार आप एचएमआई की पावर ऑन ऑफ कर देनी है। उसके बाद में ये पूरी आपको एचएमआई की सेटिंग है, हमारे सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं, या डिस्प्ले ओपन होगी तो उसमें आपको एचएमआई की आईपी एड्रेस ये चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी एचएमआई की एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नीचे आईपी